धर्म की न कहा अपन को खा रहे पी रहे मस्त, ये अपन को दुख बता। दुख मिटाना है तो मुँह मिटा, कार्य से चुके जी भ्रम से मुँह। मुँह मिटाना है तो आत्मा जान, आत्मा जानना है तो अनंतों को जान, अनंतों को जानना है तो द्रवण पर्याय से। इतनी स्टेप है एक सुना सब यहाँ आए ना जो मिठाए नित्यतम नाशवी को ध्यान किए सबका एक ही है ना। किसी तरह से जीव को सच्चाई का बोध कौन हो आया कहाँ से और मेरा रूप संबंध जो मैं कौन है स्वीकृत करूँ, ये सब विचार में आए। मैं जाकर जीव चाहिए मेरे डॉक्टर आए और वो मरीज नींद लेता तो मरेगा। डॉक्टर आने के पहले ऐसे बैठा तो सब बता। इसलिए अपन सरस्वती जनवाणी के सामने जैसे बैठ ऐसे बैठे हम अपना इलाज करते, हमें अपने भ्रम को हम अपना ध्यान दो हमें अपने दुख मिटा ऐसे भाव से आने मंदिर यानी और शिक्षा है। और दुख मिटाना तो अचान दिखे दुख मिटाना है तो मुँह मिटा कि कोई दुखी करने या और दुखी होने का एक भी कारण है फिर तो क्यों ये नहीं जानता भूल हो सब तो जानता है पर प्रयोजन भूल बात है नहीं इससे दुख मिटा। दुख मिटाना है तो क्या मिटाओ मुँह मिटाओ। मुँह मिटाना है तो क्या करो अपने को जानो अपने को भूलने के नाम को भूले आपको मतलब बात अपने को भूल अपने को भूल रहे हैं अपने स्वभाव को अपनी प्रभुता को अपनी द्रव गुण पर्याय अस्तित्व को अपनी अकर्ता स्वभाव को भगवान जैसे स्वभाव को भूल ऐसे नहीं कि अपन को आत्मा नहीं है तो सब पंडित हैं अपन सब इतनी गुरुदेव की भगत है वे सब पंडित क्योंकि सबको निश्चय व्यवहार द्रव गुण पर्याय चार अभाव कर्म नहीं पुण्य में धर्म नहीं जिसे हम भूलना हम सबको आता है कि इसमें थोड़ी भी मास्टी है सब पंडित जी बैठे हैं ये कमजोर नहीं कमी कहाँ से है इसकी जीव जीव की निर्णय में कमी पावर नहीं आता जैसा आने से इसमें इसको आत्मा जानने की ऐसी गरज नहीं होती ऐसी जिससे जिससे सर्वस्व समर्पण हो वो नहीं आता बहुत बुद्धि तो बहुत चल तो पढ़ने लिखने की भी कुछ चल रही स्वामी जी के प्रताप से सब स्वाध्याय को इससे थोड़ी मिथ्याचार अपने लक्ष्य से पर अपना दुख मिटाने के लिए विद्वता बताने के लिए नहीं पढ़ना इसमें ये लिखा है इसमें लिखा है इसमें कुछ नहीं मिटता मिटता है तुझमें क्या लिखा है तू जब इतना अच्छा है तो ये राग खड़ा कहाँ से पढ़े तो अपना कष्ट मिटना चाहिए। तो ऐसे पूछ दुख मिटाना है तो क्या जानना चाहिए क्या करना चाहिए मुँह मिटना चाहिए। मुँह मिटाना है तो क्या होना चाहिए आत्मा को स्वरूप से जानना। आत्मा को जानने के लिए क्या जानना चाहिए भगवान अनंत कैसे जिंदगी भर आत्मा का अस्तित्व समझ के ऐसी सुखमयी दशा प्रकट कभी तो उसी के पास तो जाएंगे जिनका इलाज हो सके तो परफेक्ट भगत। और अरहंत भगवान को भी जानना है तो उनके बहुत से परमोदारी शरीर मंदिर समोसन अतिशय ब्यालीस ब्यालीस तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सब से कुछ काम नहीं होगा। अरहंत भगवान को जानना है तो कैसे जानना चाहिए उनके द्रव बना गुण बना हो पर्याय द्रव बना गुण बना पर्याय बना आगम से समझ कर विद्वान से ज्ञानी जन से समझ कर ऐसे ही मैं हूँ ऐसा ही ब्रह्म में ही ऐसा लगे तो मिथ्या चले नहीं तो नहीं जाए बहुत जानने से मिथ्या भक्ति करने से मिथ्या स्वाध्याय करने से मिथ्या कृतन साधन से तो जाएगी दूसरों को समझाने से दूसरों से समझने से भी नहीं जाएगा अपने को आप रूप समझे बिना नहीं जाएगा कोई विधि नहीं बनी भगवान की सबको यहाँ इस उद्देश्य से बैठना चाहिए कि मुझे अपने दुख को मिटाना है यदि ये लक्ष्य ये नहीं है
समझ लेना आप बहुत डिस्टर्ब हो, गुलाम मार्ग रूढ़ी से आते संप्रदाय का पक्ष, इसलिए मंदिर आओ। और उससे किसी के कष्ट नहीं है, उसे तो खुद लगे कि यदि मैं आत्मा नहीं जानूंगा तो 84 लाख यानी है पड़ी, मैंने कौन सी गर्भ में आ जाऊंगा कुत्ते मिली बकरी की पेट। इतनी गंभीरता से इस शासन को अपने मस्तिष्क में हृदय में आदर से बिठा, बहुत बड़ी बात है। इस सर्वज्ञ देव की बात है जो अपन को विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान सुनाते हैं ना, वैसी बातें भरत क्षेत्र में चल रही, क्योंकि यही बातें हमारे भगवान, यही जंगल में बैठे मुनि राज भगवान है, आत्मा है, परिपूर्ण है, द्रव्यमान पर्याय से बहुत पवित्र है, ऐसा स्वरूप समझे नहीं इसी के कष्ट। अब अपन को इस समझे कि साहब हम तो पापी हैं, दुखी है, ऐसा अपन सोच किया कि हम तो दुखी है, मोही है, अज्ञानी है, रागी देशी है, हमारा कल्याण कैसे। अब देखो इनके पास आ, ये जो तेरी अशुद्धता है ना, अभी अभी जो परिणति में वो चल रहा, ये परलक्ष्य यानी पर को अपने अधीन बनाने से, पर को अपना मानने से, पर को पर नहीं जानने से, स्व को स्व नहीं जानने से इस संसार से। यदि जो अपने को जानता तो कष्ट नहीं, पर को पर जानता तो कष्ट नहीं, पर को पर नहीं जाना, स्व को स्व नहीं जाना, कैसा जानना, जैसा है नहीं वैसा जानना, स्व और पर को एक संसार चले, अपने घर में अपनी नहीं चलेगी, अपने आप दुखी होगी, हमें चलाना ही नहीं तो दुखी नहीं। हमें किसी को अपने अपने हाथों से हैंडल नहीं करना है कि तू ऐसा कर, तू जैसा होता है वैसा जानो, अपने आप सुखी हो, कोई दुखी कर नहीं रहा है, खुद ही दुखी हो। पहली गड़बड़ी बताई मैंने, ये जो मिथ्यात है, अज्ञान है, असंयम है, ये कर्म के उदय से ही नहीं, परजन्म से ही नहीं, शरीर गड़बड़ा है, काल खराब है, इससे नहीं है। ये जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है तो अपनी शांति अपने में ना देख कर, अपना ज्ञान अपने में ना देख कर, अपना आनंद अपने में ना देख, अपनी प्रभुता स्वच्छता जीवन अपने में ना देख कर कहाँ देखता है। यदि भोजन नहीं मिला तो क्या हो, पैसा नहीं मिला तो क्या हो, शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो क्या हो, मर गए तो क्या होगा, अब इसके दुख कौन मिटाए। आत्मा मरते ही नहीं, आत्मा को कोई सुखी कर ही नहीं सकता, आत्मा के गुणों को देने की किसी में ताकत ही नहीं, हम तो दूसरे से आशा करेंगे। इन्हें हम भिखारी से कहें कि हमें एक मारुति कार दे, खुद ही दुखी होगी, तो लड़का काम में नहीं आता इसलिए दुखी है कि बाप बनते इसलिए दूसरी लाइन पढ़ते। यही अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से है, यानी पर धर्म से नहीं, पर के लक्ष्य, पर के लक्ष्य है पर को अपना अपना रहने से, पर को कर्ता बनने से, पर में भूता बनने से, पर से आशा करने से, वहाँ से क्या मिलेगा, इसमें सुख नहीं, पर इससे सुख चाहिए, कहाँ से करोड़ों करोड़ों में इकट्ठी हो, इसमें शांति देने की ताकत है, कहाँ से कहाँ से आई आपका भगवान से। आप मानी कैसे सुखी, घी भी नहीं खा सकता, शक्कर भी नहीं खा सकता, गोलियाँ खाता, फटेमणि भूमि में सुख नहीं, हरतमणि की धरती उसमें सुख नहीं, सोने के विमान में सुख नहीं, रानियों में सुख नहीं, कहाँ से सुखी हो जाए। मंथन करे दिन रात जल, जल हाथ में अभिन, रजरीत पहले रात भर, उत्तीर्ण जो सद्भाग बिन जो संपदा, ये लाइन भी पढ़े तो आत्मा दिख जाए, अरे बहुत भ्रम हो गए, मैं दूसरे से सुख, अपने सुख के लिए चेतना पर के मुख को ताकती, अपने दुख के कारण को भी पर में सदा तपास, अरे अज्ञ सुख निज को नलिनी स्नेह पास में बांधता, और अकारण ही पर को सुख दुख का कारण। ये जैसे तोता की हालत है, उड़ने के स्वभाव वाला इस पर लटक गया और वो समझता है कि इसने मुझे पकड़, अब बताओ उसके दुख को सोचते हमारे घर के दोस्त हमें पकड़े हुए, पकड़े नहीं हुए तो खुद पकड़ा,
दूसरी बात आई गजब की बात आई। अच्छा अपनी अशुद्धता चल रही पहले मान लिया कि इसने नहीं कराया तो अनंत गुना पाप तो वैसे ही जो दूसरों को दोष लगाता था दूसरों से आशा कर। अब दूसरी लाइन पढ़ अशुद्धता होने पर भी मिथ्या अज्ञान संयम होने पर भी राग देश मोह होने पर भी पंच परावर्तन होने पर भी चार संज्ञाएं होने पर भी वैर्मुक्ता होने पर भी जब करता है तू जिस समय भोक्ता बनता है तू जिस समय राग देश में पड़ में तू तब उस समय भी आत्मा करता अभोक्ता राग देश से थे। ये बातें कभी सुनने मिले पंडित साहब जिस समय हमें काम ही काम दिखते हैं जिस समय हमें भोग ही भोग दिखते हैं ये भी खा लो ये भी पी लो ये भी ले लो अच्छी जिस समय हमें राग देश की घोर बीमारी उस समय भी कहते तेरी आत्मा में कर्तत्व भोक्तत्व नहीं है तुम आत्मा 24 चंच कहला सूलट सूलट चंची सोने की तरह होते हैं जी बात कभी सुनी थी कभी कि मैं बीमार हूँ उस समय भी बीमार हूँ इस समय जी भूखा है प्यासा है तड़प रहा है नार की उस समय भी पूरा सिद्ध भगवान जैसा गया है गुरुदेव नाते थे तो अपन भी लाइन पचती अपन तो शुद्ध नहीं सी शुद्ध मानते आत्मा शुद्ध नहीं मानते थे आत्मा भगवान है नहीं मानते कोई की कृपा से नय से अनियोग से पंडितों की मेहरबानी आत्मा भगवान अरे अभी तो भाई मैं भी अभी यहाँ से जाके रोटी बनाई तुम रोटी नहीं बनाओगी तुम ज्ञाता दृष्टि रहो रोटी बनती हुई तुम्हारे ज्ञान में आएगी ज्ञान में आत्मा कैसे रोटी बनाए तो विकल्प नहीं है रोटी नहीं बनाएगा खूब रोटी बनाओ पर तुम बनाने वाली नहीं भी सीखी बना ही नहीं सकती क्योंकि आटा ही रोटी बनाएगा आत्मा उसका ज्ञाते। दूसरी लाइन ने अपन को कितना मिथ्या से पहली लाइन ने क्या बताया तीन लोक में कोई भी परद्रव्य तुझे सुखी दुखी रागी दुषी मोही नहीं करा सकता ताकत ही यदि यदि ये बात नहीं मानोगे तो दो द्रव्य की भिन्नति सिद्ध नहीं कर्म के उदय से राग देश होता है कि नहीं बता दर्शन मोहनी उदय से मिथ्या होता है उच्चारण मोहनी की उदय से राग और ज्ञान आवरणी की उदय से ज्ञान है बात सही है कि नहीं कहते भैया वो निमित्त का ज्ञान है निमित्त रकिंचित कर ही निमित्त होता अवश्य है नहीं मानोगे तो प्रमाण ज्ञान सही नहीं और निमित्त को कर्ता मानोगे तो बहुत दूर अभी स्वाधीनता नहीं। दूसरी लाइन में क्या बताया मूल द्रव्य तो पढ़ो मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता तो क्या होता है मात्र पर द्रव्य के निमित्त से क्या हो जाता है कितना सरल रूप अभी अपन को बहुत पहाड़ जैसा रूप अब तिनके जैसा रूप यदि क्या समझते हम पापी हैं अब समझ में आ रहे पाप होता है हम पापी नहीं हम आत्मा हैं पर आत्मा न जानने से परिणति में पाप कितना अंतर यदि हम समझते थे कि सोना काला है अब समझ में आए कि सोना पीला ही है मट्टी का साथ साथ में है मट्टी उसकी दशा अभी गंदी है क्योंकि ऐसा सोना लेके शादी में नहीं जा सकते शादी में जाओगे तो सजी सजाई चेन पहन सोना काला होता है कि सोना पीला होता है नहीं होता इसे अभी अपन की अभी वो है कि मूल राग भी चला है मूल राग भी कहाँ चल शरीर में चल रहा है कि कर्म के उदय आत्मा के स्वभाव में चल रहा है कि आत्मा की पर्याय में चल यदि पर्याय नहीं मानोगे तो मिथ्या दूर नहीं यदि स्वभाव में मानोगे तो मिथ्या दूर नहीं यदि आप अपना अपराध ही नहीं मानोगे तो निरपराध होने के लिए उपाय नहीं करोगे। गुरु जी ने पूछा कि बताओ राग पुद्गल का होता है कि जीव साथ में बताओ महावीर स्वामी राग पुद्गल में होता है कि जीव मतलब जो बोलोगे झूठ बोलोगे कौन बता राग पुद्गल में होता है कि जीव पहले इसे पूछेंगे
कहाँ होता है, सिर्फ स्वाध्याय है कि नहीं? राग खुदगल में होता है कि जीव में होता है? खुदगल है कि जीव? पूर्णिमा जी ने कहा, पंडित साहब पूर्णिमा जी कह रहे जी, तू राग खुदगल का कहेगा तो हम तुझे मिथ्या घोषित करेंगे, क्योंकि दूसरे को दूसरे का, और तू कहेगा आत्मा में होता तो हम कहेंगे आत्मा का स्वभाव गड़बड़ मानते, तो हमें दोनों लेख मिलेंगे, और जीव का भी लिखा मिलेगा और खुदगल का भी मिलेगा। उनको जो प्रयोजन भीतर रखता है, खुदगल का कब कहेंगे जब स्वभाव होता है, और अपना कब कहेंगे जब तू दूसरे को दूर करे। तो हमारे यहाँ कथा नहीं पकड़े जाते, प्रयोजन पकड़े जाते, यादवास शैली में प्रयोजन भीतर रखते हैं। हम पकड़ते सब ऐसा क्यों कहा, वो कहते कब क्यों कहा, ये तो पकड़ा नहीं कि क्यों कहा, ये पकड़ा कि ये कहा। ऐसे व्यक्ति का मिथ्यात नहीं जाएगा जो शब्द पकड़, शब्द मिलेच का मिथ्यात नहीं जाएगा, प्रयोजन परक कथन होते हैं। राग आत्मा का कहेंगे और उन्हें मिथ्यात नहीं जाएगा, और तुम आत्मा का मानोगे तो तुम्हें मिथ्यात, क्योंकि तुम आत्मा का तब मानो जब आत्मा का स्वभाव समझ लो, और स्वभाव को नहीं समझने से मिथ्यात होता है ये मेरी आत्मा मिथ्या दृष्टि, आत्मा मिथ्या दृष्टि नया मिथ्यात और मूल द्रव्य तो अच्छे से मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता ही नहीं। अभी अपन शरीर रूप मनुष्य पर्याय में है कि नहीं, इस समय अपनी मनुष्य पर्याय है कि नहीं बाबू, इस समय है नहीं मनुष्य पर्याय कि नहीं? क्यों नहीं है? मनुष्य पर्याय में होने पर भी मना क्यों कर रहे हैं कि हम तुझे द्रव्य दिखा रहे हैं, तू मनुष्य पर्याय में खड़ा होकर द्रव्य देखता, हम द्रव्य में खड़े होकर मनुष्य पर्याय को भेंट होता, कुछ अंतर है? अपन मनुष्य पर्याय में खड़े होके और आत्मा देखने से कभी नहीं दिख, और हम आत्मा देखने पर आत्मा अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, अरे तो बड़े भाव क्यों होते कि भाव ही तो होते, हम कहाँ हो जाते इलाज हो जाते, अभी तो मनुष्य बन के बैठे, फिर मनुष्य बन के नहीं बने तो परिणाम बन के बैठे, परिणाम नहीं बन के तो शेषम बन के बैठे, शेषम नहीं बन के बैठा तो चिंतन करने आत्मा नहीं बनता। और ये क्या कह रहे हैं, आत्मा तो कभी परद्रव्य रूप होता ही नहीं है, पर भाव रूप होता ही नहीं है, पर्याय रूप होता ही नहीं। विधि विज्ञान तो कराए वो क्या करे, जब का शासन ऐसा महाभाग से अपन इस कार्य कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ ऐसा मानता। अब उन्होंने कह नहीं मिथ्या दृष्टि नहीं होते जीव, आत्मा को नहीं जानने वाली पर्याय में मिथ्या, दो बातें खुली। हम पहले जो अपन को अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मानेंगे तब तो यहाँ आएंगे कि मैं तो अनादिशी रोगी हूँ उपचार कराने, इतना दुखी माने जब तो अंदर आएगा इलाज कर। अब वे कहेंगे भाई साहब दुखी तो अवस्था है, तुम थोड़ी तो स्वस्थ, यदि स्वभाव स्वस्थ ना होता तो हम दवाई किसकी करते। अच्छा अच्छा तो मेरी पर्याय में बीमारी, मैं रागी द्वेषी मोही हूँ परिणति में, ये तो सही है कि नहीं? लेकिन आत्मा तो द्रव्य से मिथ्यात नहीं, द्रव्य में मिथ्यात नहीं, द्रव्य में मिथ्यात कराना नहीं, द्रव्य में संसार नहीं, मूल वस्तु में संसार नहीं। बहुत बड़ा काम तो ये हो कि स्वभाव में संसार नहीं है, परिणति में संसार हो गए। पहला कि दूसरे व्यक्तियों ने दुखी नहीं किया, हम अपनी भूल से हम दुखी, दुखी अवस्था है स्वभाव दुखी, ठीक है कि नहीं? अब इलाज मिलाए नहीं हो। अब तीसरा कि तेरी अवस्था दुख की नहीं है, तेरी अवस्था ज्ञान की, जानने की अवस्था थी, जानने पर्याय थे, राग द्वेष करना पर्याय थे। तीन हो गए बाबू, कौन कौन से? दूसरे ने हमें दुखी नहीं किया, पहली क्लास अशुद्धता बाहर से नहीं आना, बाहर को अपना मानने से। फिर दूसरी दुखी जो है जीव, ये जीव दुखी नहीं अवस्था में, तो जीव बिल्कुल सेफ हो, भगवान आत्मा सेफ उसकी दशा में दुख। अब तीसरा दुखी तेरी अवस्था नहीं है, तेरी अवस्था है पर्याय तो जानना दे। तीन हो गए, पूछेगी कुछ तो ले जाए यहाँ से। दिगंबर बहुत अच्छी ईमानदार, मंदिर की चीज मंदिर में रखता है।
हम सब यहाँ काय के लिए आए हैं? मिथ्या तब नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर घास देखो, मानुषी इसी मानता मिली अपन सुखी करना चाहिए। तो अपन दुखी मानते हैं तब तो यहाँ आए। अब आचार्य जी ने कहा कि तेरा स्वभाव दुखी नहीं है, परिणति में दो इलाज हो जाए, क्योंकि पर्याय बदल जाती, स्वभाव हो जाती तो इलाज। अब अपनी पर्याय दुखी होना यानी मिथ्या ज्ञान असही, हम अपनी राग अपनी पर्याय है कि नहीं, तो अब और बड़ी दुनिया राग तेरी पर्याय नहीं, तेरी पर्याय तो तेरे जैसी होना चाहिए ना। यदि आत्मा ज्ञान स्वभावी तो ज्ञान जानना तेरी राग कहाँ से पर्याय, उस पर्याय से भेद दुनिया लक्षण को कर। अब जानना अपन को पता चल गया, अब तो आत्मा मिल जाएगा कि नहीं, कि जानने इसको जानन हार से तादात में वहाँ पराग, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ, प्रमत्त भी नहीं हूँ, मैं ये एक बात हूँ। अब हम पूछ रहे हैं सभी लोग विचार कर, जब प्रमत्त भी नहीं रहा अप्रमत्त भी नहीं है तो पर्याय तो सारी चलेंगी, अब बचा गया और पर्याय बिना का द्रव नहीं हुआ, वो भी प्रमत्त भी नहीं प्रमत्त भी नहीं, मिथ्या तक ज्ञान असंयम भी नहीं, समय दर्शन ज्ञान चारित भी नहीं, तो बचा क्या आत्मा, पर्याय नहीं बची तो पर्याय बिना का द्रव होता है, कौन बता पर्याय बिना का द्रव सुना न द्रव्य बिन पर्याय हो न पर्याय बिना द्रव, द्रव होगा तो गुण होंगे, पर्याय बिना द्रव्य गुण पर्याय की कोई वस्तु होगी ऐसा भगवान ने। तो अब जब उन्होंने प्रमत्त भी निषेध कर दिया, अप्रमत्त का भी निषेध कर दिया, तो बचा क्या आत्मा, आत्मा बचा है। तो आत्मा बिना पर्याय का होता है नहीं होता, और इन्हें पर्याय लग कर इसका उत्तर जो दे देगा वो गहरा स्वाध्याय होगा। गुणों की तरफ से रत्ना निश्चय और तत्व की तरफ से संबर निर्जरा मोक्ष, न मार्ग है न मार्ग फल आत्मा, इसलिए से शुद्ध का प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं जो एक न्याय भाव है, इस रीत शुद्ध, इस शुद्ध होने की रीत विधि बताई, इसलिए शुद्ध है, इसमें कोई न मिथ्या घुसता है न सम्यक घुसता है। मिथ्या तो आत्मा को नहीं मानने का नाम है और सम्यक तो आत्मा को मानने का नाम है, मिथ्या तो सम्यक आत्मा के बाहर हो गए, मूल वस्तु आत्मा और उसे नहीं मानना और मानना, नहीं जानना और जानना, नहीं रमना और रमना, इतने ही है ना श्रद्धा ज्ञान आज, तो ये दोनों को तो आपने अलग, अब बचा क्या पर्याय तो रही। पंडित जी कह रहे हैं कि जानने की पर्याय रही, जानने की पर्याय रहेगी, तो वो कहते हैं जो पर्याय पर्याय का निषेध कर रही थी वही पर्याय तो कह रहे कि मैं एक ज्ञायक, ज्ञायक तो निष्क्रिय ध्रुव पार नाम, वो तो बोलता नहीं अनबोला था ध्रुव रहता है, उसमें तो कोई परिणति क्रियाएं दिखाने और उसे स्वीकार करे बिना भूल नहीं सकता। तो जो पर्याय अभी तक कहां क्या मानती थी, मैं राजेंद्र, मैं प्रवचन का ऐसा त्याग कर टूब चढ़ा रहता हूँ, ऐसा ग्रस्त नहीं नहीं प्रवचन का नहीं प्रणाम, मेरी भाव बहुत अच्छे कि सब लोग समझ, तो राग में खड़ा नहीं नहीं भाव मेरी मेरा उसको जानने का ज्ञान, तो वो छेप संज्ञान था भाव में वो भी तूने पराया ज्ञान यहाँ पर, अब बचा क्या तो पूरा ज्ञायक बचा, परंतु वो ज्ञायक स्वीकार कौन कर रहा है, वही तो पर्याय जानने, जानने की पर्याय मानने की पर्याय रमने की पर्याय, जानना तो एक नाम है, श्रद्धा ज्ञान चार थे तीनों के एक नाम था, और तीनों का विषय अब क्या बन गया श्रद्धे घी घी एक ग्रवा, तो वो पर्याय तो बोल रहे कि मैं प्रमत्त नहीं मैं अप्रमत्त नहीं, ये बोल कौन रहा पर्याय, और मैं कौन हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये आवाज कहाँ से आ रही पर्याय से, पर्याय अपने को सेब रख के नहीं बोलती, अपने को द्रव्य से तन्मय करके बोलती, मैं भगवान इसी समय दर्शन, मैं ज्ञायक समय दर्शन, मैं आनंद की मूर्ति समय दर्शन,
संविज्ञान हो संविचार हो, वो एक इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। द्रव्यगुण पर्याय पढ़ने आए थे कि उसको पढ़ेंगे। द्रव्यगुण पर्याय कल रात में पढ़ा था ना कि जब स्वभाव में संसार नहीं है तो संसार कहाँ से आ गया। तो अच्छा बोला है कि भैया स्वभाव में संसार नहीं है, द्रव्य में संसार नहीं, तो संसार चल कैसे रहे। कि त्रैकालिक स्वभाव में संसार नहीं है, परंतु तू ऐसा त्रैकालिक को मानता नहीं है ना, तो पर्याय में संसार चल। कोई माने या ना भी माने, परमात्मे पर ना कम ना होगा। जिसकी चले चाहे है सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। किसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या हो। अपना घर मिल जाए, आनंद से रहे, इससे बढ़कर और क्या सब। वाणी के भी पार का, एक घंटे नहीं, दस घंटे नहीं, 33 सागर सुनो तो भी वाणी से ज्ञान नहीं। किसा धर्म है, अभी भी सब बैठे हैं, अभी वाणी निकल रही है, अभी वाणी निमित्त बन रही है, कर्ण इंद्री के ऊँचे हो रही है, तो भी ज्ञान ज्ञान में से ही आ रहा है, ज्ञान घी से आ सकता ही नहीं है, तो सुनना सार्थक कहलाए। यदि ये माने कि बहुत जोरदार प्रवचन है, तो समझ लो तुमने अपने को अनादरत किया। कहने में मिथ्या तो नहीं होता, कहने में तो आदर झलक, तो इसे बहुत अच्छा लगता, ये तो भाषा ही निकले अच्छा लगता, भगवान की वाणी अच्छी लगती, परंतु सच में तुम्हें आपका ज्ञान अच्छा ना होता तो समझ में किसी। सब ज्ञान से भगवान बने बैठे यार, सबकी ज्ञान की पर्याय समझने की, निर्णय लेने की, सब मानने की, ये पर्याय जहाँ शक्ति है उससे अभिव्यक्ति। इस समझ पंडित प्रवचन कुछ भी करे यानी जो बोल रहा हो, आप तो यहाँ देखो, मैं ज्ञान सुना, मुझे समझ में आता, मैं आत्मा, मेरे में शक्ति, मैं भगवान हूँ, मेरे में से ज्ञान की धारा है। ये नहीं आया तो दर्शन मोनी गलेगा भी नहीं। स्वामी जी कहते थे कि जिस समय ये पहली पहली बार आता है मंदिर, प्रियजन की सिद्धि नाम की पुस्तक है एक भावनगर से बिल्कुल पतली, उसमें लिखा जब ये शुरू शुरू में मंदिर आता है और ये बातें सुनता कोई करता था अपने आप शब्द पढ़ में अहेतुक प्रणमन होता, निरपेक्ष प्रणमन होता, कथन सापेक्ष हो कार्य निरपेक्ष होता है। ये ज्ञान का पावर अद्भुत चमत्कारी पदार्थ है, तू पर स्पर्श भी नहीं करता, विश्व बहुत सुंदर है, हर द्रव समर्थ है, परिपूर्ण है, अपने प्रयोजन को साधने में सब द्रव अपने आप में परिपूर्ण, ये सब अच्छा सुनता है। द्रव गुण पर्याय स्वरूप ज्ञाय के भगवान बहुत अच्छा, ये बातें कहीं नहीं। उस समय उसका दर्शन मोहनी गलत, और बोले जब रोज रोज आता है ना, कोई करता धरता नहीं, आत्मा शुद्ध नैसी भगवान है, राग तो बाहर बाहर लूटता है, राग ने मुझे छुआ नहीं, ये सब बातें जब दोबारा सुनता है तो कहता हमें सब मान, अब इसकी दर्शन मोहनी कराने। पंडिताई बनने में दर्शन मोहनी करा, पंडिताई क्षेत्र समय खड़े होकर ज्ञायक को बुलाने में फिर से आने, क्योंकि तुझे अब अपूर्णता खत्म हो, अब तेरे विलास बन गया है भाषा छेपसम, अब आत्मा की अपूर्णता एक तरफ हो गई, अब छेपसम की अपूर्णता पे खड़ा गया काम। ज्ञायक देखे अनुभव किए बिना रास्ता नहीं है, जब आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा तब उस दिन तो रास्ता खुलेगा, वो गलेगा। अपन को कभी जिनवाणी सुनते समय हावी नहीं होना चाहिए छेपसम कि मुझे सब पता, मुझे सब पता होने पर भी भगवान की वाणी है बहुत महिमा की व्यवहार, और मेरा आत्मा बहुत महिमा बनते है तेरा परमा। दो बातें तो इतनी हुई है कि अशुद्धता किसी ने कराई है, एक तो बहुत दूसरों को दूष देना, दूसरा मूल वस्तु का कुछ बिगड़ता बनता नहीं है, जीव सदाकाल जीव बना रहता है, पुद्गल सदाकाल पुद्गल बना रहता है, शरीर शरीर रहता है, कर्म कर्म रहते, राग राग रहता है, अन्य द्रव्य रूप तो मूल वस्तु होती नहीं है। फिर क्या होता है, मात्र देखो वजन देख, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से लक्ष्य से बहिर्भूत होने से क्या अपन को लगता था मैं ही बीमार हूँ,
अभी कह रहे कि तू बीमार नहीं, तेरी उंगली में भी फोड़ी आई, इतना अंतर कहा पूरी सही। कोरोना में क्या हुआ, फेफड़े में थोड़ी सी गड़, पूरी किडनी लीवर में नहीं, हार्ट में नहीं, कोई अंग में, और वो भी निकल जाए। नींबू का नाक में पानी डाल तो अपने आप में, जो भी कोई इलाज करते हो तो कोई ना कोई, मैंने इतनी सी बीमारी और कितना बड़ा रूप दिया, गड़बड़ी कहाँ अवस्था में भूल जाती। तो भूल द्रव तो जो करते हो रात सोने की चेन कीचड़ में गिर गई तो क्या भाव बिकेगी, 50,000 यदि गेट हो तो कीचड़ में डली सोनभद्र क्या भाव बिकेगी, पूरे पैसे क्यों, उसमें तो कीचड़ छप गई ना, कितना हल्का है, कितना बात वजन देने के, वजन हम कहाँ दे रहे थे, हम अज्ञानी हैं, और जनवाणी ने कहा तू ज्ञान स्वभावी है, आप कितना अंतर, अपनी सोच में एकदम स्वामी जी ने जिंदा कर दिया, ऐसा लगता है यदि गुरुदेव को जो पढ़ते हैं ना वो जानते हैं कि स्वामी जी भगवान जैसे आए थे, और उन्होंने सबको प्रभुता बताई, अपन कैसे आते थे मंदिर दीन भय प्रभुपति, हे भगवान क्या होगा हमारा क्या, विषय में से प्रभु अर्था तुम्हें को निरा कहता महामूल दुखिया स्वयं को समझेता स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझे को महाहर्ष मानो गिरा मोक्ष दी। साहब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अरे साहब बहुत दर्द, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ डॉक्टर, तुम्हें कुछ नहीं क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द यहाँ भी होने लगता, यहाँ भी होने लगता, हर रस्सी उसमें है ना गैस है ना यहाँ, और हार्ट अटैक, हम तो सोच रहे थे हार्ट अटैक हो जाए अब तो मर जाए, नहीं नहीं वो गैस से ना चले, और यहाँ वहाँ जाते 2 रुपये की गैस में हम ठीक हो गए, और हम सोच रहे थे कि हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे मर जाएंगे सब, और कह रहे जरा सी गैस बढ़ती है ऐसे स्थिति होती है, इससे अपन विस्मय से कैसे जी भगवान बन गए, पर हम देखो मूल रक्षक अभी कह रहे जी भगवान बने ना, तो ये पहले भगवान थे और वैसे ही भगवान, तो दोनों भगवान में क्या अंतर है, मम स्वरूप सिद्ध समान अमित शक्ति स्वरूप ज्ञान देना, अब गड़बड़ी कहाँ, किंतु आसवल जरा सी भूल में कि हमें कुछ बाहर से मिल जाए, अरे जब अपने घर में सब लॉकडाउन में सर्दी हुई बुखार हो गया और तकलीफ हुई, तो अपने घर में काली मिर्च भी है, नैनी पी कर भी सौंठ भी है, अर्क बनाओ कोरोना भगाओ अस्पताल नहीं जाओ, इतना सरल इलाज है अपने घर में, हाँ घुटनों में दर्द मेथी खाओ अपने आप गर्मी आ जाए, अपने आप घुटनों में दर्द, इतने सरल उपाय, दिमाग खराब जनवाणी पढ़ो अपने आप दिमाग ठीक, बहुत उपकार है, यदि उन्होंने कहा तेरी मूल वस्तु सुरक्षित, कितनी बड़ी बात थी, गड़बड़ी कहाँ है, पर्याय पर्याय में नहीं मात्र पर्याय, उनके बोलने के तरीके उन्हें ये नहीं कहते तेरी पर्याय तो जानने के भी पर्याय तो राग के भी दो एक समान थोड़ी, मात्र तेरी परिणति जो यहाँ देख रही थी ना ये नजर थी, यहाँ देखो ना नजर तो अपनी अपनी तरफ, मात्र पर्याय में सुधिए, सभी पर्याय में अशुद्धि नहीं जरा सी श्रद्धा ज्ञान आचरण, तो ज्ञान में भी गड़बड़ है, स्वभाव कान से देखो तो बराबर है एक साथ, वजन की बात देख कैसे विधान हुआ, और विधान में पंडित जी ने कहा कि भाई 11 बजे तक, माता जी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे दिन 11:15, तीसरे दिन 11:30, चौथे दिन 12 बजे, तो वो माता जी ने विधान की बात कहा, पंडित जी विधान में मजा तो बहुत आया पर आपने 12 बजे भूल नहीं कर, तो पंडित जी बोले माता जी भले 12 बजे पर विधान में मजा बहुत, दोनों में कुछ अंतर समझ में, माता जी ने कहा पंडित जी आपने विधान कराया पर मजा तो बहुत आया,
परंतु भले बजाने पंडित जी ने कहा भले बारह बजने समय पे बजाने भले बारह अपन बताओ किस लिए उद्देश्य आए आनंद आनंद आए कि आनंद तो आए पंडित जी परंतु काय पे बजाना उसका जैसे ये कहते हैं राग आदि है शुद्धि ठीक है परंतु द्रव्य तो शुद्ध ही जान वो ही की बात द्रव्य तो शुद्ध है पंडित परंतु पर्याय तो है ना सर कितना अंतर है बताना यदि आप ज्ञानी से निश्चय होंगे तो वो क्या होगा वो भजन दे देगा नियम से आपकी मानसिकता पुष्ट कर देगा और आप ठगी से लोग स्वामी जी ने कल मिश्रा कुगुरु लूट लिया कुगुरु थोड़ी देर के लिए तो मंदिर आता है और भगवान को देख के आत्मा की अद्भुतता लगना चाहिए तो कोई ना कोई क्रिया बता देता है और संचार ये जीव को प्रभुता बताना है द्रव और पर्याय बताना तेरा भार उतारना तू घबरा रहा है कि मैं क्या होगा मर जाऊंगा तू मरता ही नहीं है भगवान से एक गुण घटता नहीं है तेरे प्रदेश नहीं घटते तेरे शुद्ध जीवास्थ काय में किसी का प्रवेश नहीं है बना बना है देवता परंतु इस निर्णय में ताकत जो लाइने होगी मात्र पर्याय पंडित जी की पूजा द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र पावन सुचिकारी तब आराधन स्वामी जी कहते पूजा पाठ दया दान धर्म कुछ नहीं होता अनंत बार माता जी कहते इसमें तेरी तीस कसाई सी बंद कसाई सुनने लायक होता साई गलती जब महापुरुष के पास आओ ना तो मान भक्ता झुकना आता हृदय द्रवित हो ऐसी पवित्र दशा वो मेरी ऐसी दशा ऐसी दमदारी भगवान को देख के लगता अपन भी भगवान बन ये भी लाभ होता पर गुरुदेव ने फिर ऐसा किया क्यों कहा अरे भैया तू वहां पर संतुष्ट हो गया था तू उसे मार्ग मांग रहा था तू प्रयोजन नहीं साध रहा तो प्रयोजन साधने के लिए आप अकड़ बताओ कि मैं अकेले आत्मा देख लूंगा और मुझे न साधन भी चाहिए न जिनवाणी चाहिए न जीव साथ गुरु तो तेरी अकड़ ही नहीं बने तुझे हाथ जोड़ना आना पड़े इन महापुरुषों से आपने बहुत अच्छा मार यदि कसाय नहीं ढीली पड़ी तो प्रवेश करेगा कहाँ तीसरी बात द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मनन ही दिखाई देगा एक चीज की देखने की दो आंख बताई वस्तु एक निरूपण अनेक कथन अनेक अब कैसे देखते वो कह रहे हैं कि जब एक ही वस्तु है उसी आत्मा में तुम केवल ज्ञानी भी देख सकते हो ज्ञाय भी देख सकते हो वही भी देख सकते हो शुद्ध भी देख सकते हो शुद्धता भी देख सकते हो वही और अशुद्धता भी देख सकते हो बताओ कैसे देख और देखना आता सब वस्तु नहीं बदले ऐसे पर्याय जैसे उन्होंने कहा ना प्रमत्त नहीं या प्रमत्त ऐसे अलग नहीं कर सकते थे वही जहाँ प्रमत्त है जहाँ अप्रमत्त है वही आत्मा का द्रव बना शुद्ध ही है तो दोनों एक जगह होने पर आप जिसे मुख करते वो दिखता है सोने की चेन खरीदने जा तो जो बहू देखेगी उसे चेन की डिजाइन देगी और जो मालिक खरीदेगा और बेचेगा और जो पापा आया उसके सामने तो धातु देखेगा कितनी बजन तो एक ही चीज में दो बातें दिख सकती है कि नहीं वही पर्याय है और वही द्रव्य है और तुझे जैसा देखना वैसा देखना करी कौन द्रव्य रूप करी सर्वत्र करी कौन द्रव्य दृष्टि आपार को कलंक बताई आप देख सकते हो द्रव्य अभी देखो आप आत्मा देख सकते अभी तो जान नहीं मिल जानना बिना जानन हार जानन हार नहीं तो जानना कहाँ से आ तो दिखे जानना और देख लो जानना लगे कर्तव्य तो विकल्प आए और उसी समय उसका ज्ञाता देख सकते नहीं देख सकते उस समय भोजन हो रहा उस समय ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं तो भोजन ही भर क्यों दिखता ज्ञान क्यों नहीं ये तो अरुचि से ज्ञान नहीं दिखता भोजन
जबकि भोजन कर ही नहीं रहा, भोजन का राग आ रहा और भोजन की क्रिया हो रही, तो वो ज्ञान में तो सब दिखेगा कि भोजन की क्रिया हो रही है और भोजन करने का राग आ रहा, भोजन करने को जान रहा। तो जानने वाले की रुचि उसी समय आत्मा को ज्ञाता रखती और अज्ञानी ज्ञाता को भुला करके भोजन करता। उसी एक क्रिया में एक को पाप बनता है और एक को धर्म। मुझे आज को उसी समय अनुभूति होती जिस समय आहार में सतत मन भावो अनंत चैतन्य चिन्ह, जिस समय वो आहार लेते उस समय भी नहीं लेते, उस समय भी ज्ञाता दृष्टा आत्मा दिखते, उस समय भी संवर निर्जरा की मूर्ति है, उस समय भी उन्हें मैं खा रहा हूँ ऐसा नहीं लगता, जानना हो रहा। तो कितनी अच्छी बात है इसमें निकल रहे हैं कि भाई मूल वस्तु तो जीव की क्यों रहती है, उसमें मलिनता नहीं है। कहाँ आती मलिनता? मात्र पर भजन देखना, कहाँ कहाँ मलिनता आती भाजी? अन्याय। और पर्याय कितनी देर की? एक समय। पर्याय के चार लक्षण दिए 80 नंबर की जाए किसी को याद है। पर्याय एक समय की, पर्याय व्यतिरेकी, पर्याय परस्पर में आप प्रवर्त, पर्याय चिद विवर्तन की ग्रंथ। तो नजर ये बहुत बड़ा मैटर है, तो साल हो जाए ना तो अपन को भार नहीं है। पर्याय कितनी देर की होती है? कौन सी पर्याय? शुद्ध की अशुद्ध? कोई भी पर्याय हो कितनी देर की होगी? एक समय। अच्छा, गोरा लड़का पैदा हुआ और दूसरा एक काला कंप्यूटर पैदा हुआ और दोनों होते ही मर जाएंगे तो कुंडली किसकी बनवा? ऐसे एक समय की विराट पर है और एक समय की वीतरा, एक समय की संसार पर है और एक समय की मुक्त पर है। दोनों पर्याय में किसका आश्रय लिया जा सकता है? किसका अवलंबन ले सकते आप? अनंत भगवान भी केवल ज्ञान का आधार नहीं लेते, ज्ञाय का आधार। सकल की ज्ञाय तदपि ऐसा ठिकाना बताए, वो रमते अपनी और दिखता सारा जगह और देखते अपने, दिखता सब है और देखते अपने। निजानंद जी क्या बता रहे? पर्याय एक समय की हो। कौन सी पर्याय? शुद्ध हो जाए अशुद्ध, अशुद्ध पर्याय हो तो भी उससे भेद विज्ञान, शुद्ध पर्याय हो तो भी उससे भेद विज्ञान। पर्याय मात्र मैं नहीं, मैं तो एक ज्ञायक हूँ, प्रमत्त भी मैं नहीं हूँ, अप्रमत्त भी। प्रमत्त पराय का ज्ञान जरूर कर, अप्रमत्त पने का ज्ञान जरूर कराए, पर अहम किसी में नहीं। सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि मानता है कि आत्मा मानता है? केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी मानते हैं कि ज्ञायक मानते हैं? ये कितना बड़ा इलाज कर दिया कि आप पर्याय के होने से घबराना नहीं, कि पर्याय अपने काल में पवित्र होती है और अपवित्र होती है। जिस समय जो पर्याय होने योग्य हो वो अपनी योग्यता से होती। तुम्हारा काम एक है, जो हो उससे भिन्न अपने को ज्ञाता देखोगे तो तुम्हारे कष्ट मिट जाएंगे। और यदि तुम ज्ञायक को भूल करके वहाँ खड़े होगे तो आपके कष्ट 24 घंटे। ऐसी गंदे भाव, ऐसी गंदे भाव, ऐसा सुंदर आत्मा देखो तो वो गंदे भाव भी खत्म। इलाज तो देखो आप इनके पास भगवंतों के पास आओ। अपन को बहुत विकल्प आते सब लोग, विकल्पों में घबरा जाता क्या करें, ये कहाँ कहाँ की विकल्प। अरे अपने भगवान मिले, उनका बिल्कुल नहीं घबराने इन विकल्पों से। आप अपने अज्ञान को दूर करें ना कि ये मैं नहीं हूँ। इसी समय जो इनको जानने वाला ज्ञायक है वो इन रूप नहीं होता, तो ये बांधने से बहुत बड़ा बोझ तो उसी समय होता है। हर आदमी घबराता है, ऐसे विकल्प आते कह नहीं सकते। जैनियों के चीलना रानी ने तो अपने विकल्प बता भी दिए कि मुझे पति के खून पीने का विकल्प आते। ऐसी भाव किसी को आते क्या करोगे बताओ? मुनिराज की विकल्प आते, ब्रह्मचारी के भी कन्या के प्रति राग आ सकता है क्योंकि वेद का उदय 8-9 वो करे क्या? ये तो पुराना खेल निमित्त बन रहा, अभी वो क्या करे? वेद विज्ञान आपको एक मंत्र दिया उन्होंने कि शरीर मिले जैसा मिले ये मैं नहीं, करना प्रणाम अधिक भाव जैसे हो ये मैं नहीं, प्रचय संज्ञान जैसा हो भी नहीं। तो आप तो ज्ञाता मात्र देखो और सब कष्ट में। बहुत ही गजब का शासन मिला अपन।
यदि गुरु जी भजन ना देते, क्योंकि अपन सब मान बाबू जी के स्वागत था कोटा में, बसंत भाई जोशी वगैरह सब, उन्होंने 71 कलश लिया, राग ही शुद्धता है, कृष्ण ऐसे में अशुद्ध देव जो पहले ही से शुद्ध राग ही शुद्धता है, ये आत्मा पहले ही से शुद्ध, यानी सीता सती की अग्नि परीक्षा हुई तब तो सारी दुनिया ने कहा पवित्र पवित्र पवित्र, परंतु सीता तो पहले ही से पवित्र थी, ये मुनिराज बताते केवली है बहुत पवित्र थी। ऐसे ही अपना आत्मा अभी वर्तमान में राग देश मोह से गुजर रहा है, आचार्य देव कह रहे अनादि से ज्ञायक ज्ञायक ही रहा, ये कभी कर्म रूप देह रूप राग रूप हुआ ही नहीं, तुझे कर्म हटाना नहीं, राग हटाना नहीं, शरीर हटाना नहीं, दीनों को दिमाग से उतारना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं। 2 मिनट पर समाप्त कर, इस प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप बने नहीं, वह पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मने नहीं दिखाई देती, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वह कभी जड़त रूप नहीं हुआ है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करना इस ग्रंथ की खूबी है, इसलिए वो उपाय है कि द्रव्य दृष्टि से प्रदान करके जो प्रमत्त के अप्रमत्त के भेद है वे सब पर द्रव्य की संयोजन पर्याय, यह अशुद्धता यह अशुद्धता यदि तुझे द्रव्य का आनंद भोगना है, द्रव्य दृष्टि करना है, तो आपको इस अशुद्धता को गौण करना है, और यदि तुझे पर्याय में ही दुखी होना है तो द्रव्य को भूला रहे अपने आप दुखी, तुम्हें दुखी होना है तो पर्याय बुद्धि कभी नहीं छोड़ो, सुखी होना है तो द्रव्य स्वभाव को कभी नहीं, अट्ठा कट्ठा बीस साल का अट्ठा भीख मांगे अच्छा लगे। एक आदमी ने कहा हमेशा 100 रुपये ठेला लगाओ, मूँगफली लगाओ, चाहे कपड़ी लगाओ, गुलामी अच्छी किसी से हाथ में, और उसने ठेला लगाया फिर धीरे धीरे करोड़पति हो, पहले मानता था भिखारी, फिर मानने लगा करोड़पति, अब मुनिराज को देखा कि ये और सुखी दिख रहे, महाराज जी हमें भी कपड़े उतार दी थी और आप जैसे बन जाए, कि तू कौन है कि पहले भिखारी थी अब करोड़पति, कि तू भिखारी भी नहीं था और अब करोड़पति भी नहीं है, और तू मुनि भी बन जाएगा तो मुनि नहीं है, तुम आत्मा है, जब मानेगा तभी सुख, कितना गजब का इलाज। इसमें एक बात ऐसी भी आई, ये सब बात सियादबाजी व्यक्ति वो समझ में पहले प्रॉपर आना, मेरी परिणति में विकार है और उसे अभाव करने के लिए जैन शासन मिला है, और आत्मा को मुक्त करने से पर्याय में जो अपराध चल रहे थे वो अपने आप दूर होती है, और यही जीव अनंत और सिद्ध जैसा होता है, अनंत के सामने क्यों लाके खड़ा कर, तो देख शक्ति के लिए भगवान के समान है, तो वो बोले कि भगवान के समान है तो इनमें तो राग देश नहीं, तो कपड़े नहीं पहने, तो ये तो कह रहे हैं कि तेरे राग देश स्वभाव में नहीं, इसलिए तो निकल गए, यदि वो स्वभाव में होते तो फिर निकलते नहीं, यानी तू शक्ति से भगवान जैसा है, और अभिव्यक्ति तेरी ऐसी होगी, जब तुझे ऐसा लगा हो मेरी ऐसी दशा, सब तेरा भी, हम सबका दस उत्पन्न हो, एक छोटा सा भजन कहते सुनो बब प्राणी तुमसे कहे गुरु जानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना सुनो बब प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी, प्रभुता न मानी तुमने फिर भी प्रभु हो, प्रभुता न मानी तुमने फिर भी प्रभु हो, दीन ही ने माना तुमने ऐसे तो नहीं हो, दीन ही ने माना तुमने ऐसे तो नहीं हो, जाना ना जानन हारा हो, जाना ना जानन हारा, इतनी भूल प्राणी सीधे समान महिमा क्यों ना पिछाने, सुनो बब प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी,
क्यों न पहचाने। आत्मान माना तुमने फिर भी हो आत्मा, आत्मान माना तुमने फिर भी हो आत्मा। तुम ही शुद्ध आत्मा हो, तुम ही परमात्मा। तुम ही शुद्ध आत्मा हो, तुम ही परमात्मा। ये बातें कौन सुनाता है? लोरियां सुनाती माता हो, लोरियां सुनाती माता। जागो भव प्राणी सिद्ध समान महिमा क्यों न पिछानी। राग रंग से तो कभी शांति ना मिलेगी, राग रंग से तो कभी शांति ना मिलेगी। शुभ भाव से भी बंधन मुक्ति कैसे होगी, शुभ भाव से भी बंधन मुक्ति कैसे होगी। मेरे विषय भोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें भी सुखी नहीं, दीन सा लगता है व्यापारी। और दूसरा मंदिर आ गए, पूजन कर लिए, स्वाध्याय कर लिया, अब तो सब जानने लगे, इससे भी नहीं। कुछ तीसरी बात है, कौन सी बात? चित न जगाओ अपनी हो, चित न जगाओ अपनी। परम सुख दानी सिद्ध समान महिमा क्यों न पिछानी। समझने के लिए राग ने तो काम कर दिया, मंदिर ले आए, पूजन करवा दी, स्वाध्याय में बिठा दिया, सुनवा दिया, ये राग ने काम। इसे धर्म का क्या संबंध? इसे राग की गुलामी। अब धर्म क्या? अरे तू कौन है? तेरा स्वरूप क्या है? भगवान ने तुझे कैसा दे, ये सुखी कैसे हो? इच्छिए तो निर्णय समझो, अपनी भूख दबाओ, अपने को जानने की जिज्ञासा जाओ, लगनी मार को ये जीव तुझे कहीं ना रुचता हो। ऐसी गजब गजब की बात। चित ना जगाओ अपनी, चित ना जगाओ अपनी। परम सुख दानी सीधे समान महिमा क्यों ना पिछानी। करतत बुद्धि से ही दुखी सारी दुनिया, करतत बुद्धि से ही दुखी सारी दुनिया। ज्ञाता धर्म ना जाने कैसा तुगुनिया, ज्ञाता धर्म ना जाने कैसा तुगुनिया। जैनी सो दुखी नहीं हो, जैनी सो दुखी नहीं। दुखी सो न जैनी सीधे समान महिमा क्यों न पिछानी। भगवंत माने बात उनकी न मानता, भगवंत माने बात उनकी न मानता। पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता, पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता। तो निर्णय आत्मा जानने में नहीं करेगा, यानी पानी में नहीं उतरेगा तो क्या ऊपर से रोई? स्वामी जी कहते तो तेरी मौसी मौसी नाना नानी नहीं बैठे दूसरी पर्याय में जो तुझे अपना ले। अकेला है भगवान आत्मा जान, नहीं तो कहाँ जाए। पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता, अब किसे मिलेगा आत्मा? वेद विज्ञानी कोई हो, वेद विज्ञानी कोई। क्या मिलेगा बाबू? कुछ नहीं मिले, समझ लो धर्म हो रहा। मिले मुक्ति रानी सीधे समान महिमा क्यों ना पिछानी। सुधार सुनाए फिर से। भगवंत माने बात उनकी न मानता, पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता। अब
बात भी और पानी मुद्रा यानी प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग वेद ज्ञान से निर्णय मिल रहा है। अब क्या हो, वेद विज्ञानी को ही मिले मुक्ति रानी, सीधे समान महिमा क्यों ना जानी। सुधार करो, कुछ सुधार सकते सुधार। सुनो भव्य प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, ये देखना होगे सीधे समान महिमा सीधे समान महिमा अगर हम जानी, सीधे समान महिमा अगर हम कैसे जाने। अभी हम सुन नहीं रहे थे जान रहे थे, अभी हम जाएंगे नहीं जाने, अभी हम खाएंगे नहीं जाने, समझ लो सब आपका कल्याण। ले जानंगे शुद्ध स्वरूप की अविनाश।